दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, SA&BC। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, और ये जानकारी दोस्तों खास करके ब्रायलर फार्मिंग करने वाले जितने भी मेरे फार्मर भाई हैं उन लोगों के लिए रामबाण जानकारी है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो कोई मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे ना आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके मुर्गे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है दोस्तों। और आए दिन दोस्तों जितनी भी बीमारियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसके बारे में अगर आप अपडेट भी नहीं रहते हैं दोस्तों, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ बीच बीच में। कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो कोई सीजनली बीमारी हो या उसके साथ में जिस भी प्रकार की डिजीज आती रहती है दोस्तों, तो उस पर हम आप लोगों को बार बार सतर्क करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, वरना आप लाइक भी नहीं करिए डिसलाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और आप लोगों को एक एक करके मैं सबसे अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ दोस्तों वो मैं 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को सारी बातें एकदम विधिवत समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर किसी फार्म के अंदर, मैं इसमें 2-3 बीमारियों के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, लेकिन जो उसमें खास बीमारी है वो है वायरल की। वायरल डिजीज दोस्तों जो होती है ना, ये खास तौर से जब आपका चूजा 10 दिन का होता है, 10 से 11वें दिन पे ये वायरल डिजीज आपके बर्ड में दिखनी शुरू हो जाती है दोस्तों। इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 10वें दिन पे ही दिखाई दे, कभी कभी होता क्या है दोस्तों, हमने देखा है कि जो वायरल फीवर होता है ये बाद में भी आता है और पहले भी आ जाता है, लेकिन ख़ास करके 10वें दिन पे ये देखने को मिलता है। अगर दोस्तों कभी भी इस प्रकार की दिक्कत दिखती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके मुर्गे में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, वो दवा लेके आओ, लगा दो भैया, पहले आराम कर लो थोड़ा, इसके बाद लेके आना। अच्छा ठीक, होता क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि वायरल जब आता है, वायरल फीवर जब होता है, तो आपके बर्ड का ना आप देखते होंगे कि बैक साइड में, यानी पीछे एकदम उसका जो बर्ड का पिछला जहाँ से पोटी निकलती है दोस्तों या बीट निकलता है, वहाँ पे पीले टाइप से एकदम ऐसे लग जाता है, पीला पीला लग जाएगा दोस्तों। तो वो ना वो पीला होगा, उसमें कई तरह के रंग होते हैं, लेकिन ख़ास करके चूना चूने टाइप का ही बीट निकलता है दोस्तों, तो वो होता है वायरल की दिक्कत में ही ऐसा होता है। उसके बाद में दोस्तों जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करने पे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि बर्ड का जो किडनी होता है दोस्तों, किडनी के पास एक सफ़ेद धागे टाइप से होता है, एकदम हल्का सा एकदम धागे टाइप से वाइट हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है, जबकि उसको रेड होना चाहिए, तो वाइट हो जाता है दोस्तों। और किडनी में आप देखते होंगे कि किडनी पूरी तरीके से स्वेल हो जाती है उसमें, यानी सूजन आ जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वाला सूजन आ जाता है। ऐसा लगता है कि जब आप PM करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फटने वाली है किडनी, यानी किडनी में भी दिक्कत आती है, किडनी स्वेलिंग हो जाती है। पित्त जिसको बोलते हो दोस्तों, जो बहुत छोटा सा काला टाइप का होता है, जिसको जब अपन लोग कटवाते हैं मुर्गे को कभी, तो कहते हैं भाई देखना है ये कहीं फटे ना, है ना, वो प्रॉपर ब्लैक होता है, अदर जो नॉर्मल बर्ड होता है उसका ब्लैक होता है। लेकिन जब दोस्तों आप देखते हैं कि इस प्रकार की समस्या आती है,
तो वो ना बदरंग हो जाता है, यानी कि उसका रंग जो है, कलर जो है, वो उड़ जाता है और वो दूसरे कलर में हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि बर्ड का ना, जब बर्ड मरता है तो वो क्या करता है, ऐसे पीछे का पैर जो होता है दोस्तों, वो पीछे की तरफ ज़्यादा खींचता है, पीछे की तरफ ज़्यादा खींचेगा और आगे अपना मुंह रख देता है दोस्तों। उसके बाद में आप बर्ड को चाहे कुछ भी खिलाएं, चाहे कुछ भी पिलाएं, लेकिन वो बर्ड बचता नहीं है दोस्तों। तो एक सिम्टम्स ये भी होता है, यानी बर्ड आपका एकदम से लूज हो जाएगा और लूज होके मर जाएगा। अब इस दिक्कत से बचाव के लिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की समस्या आपके फार्म में आती है तो आपको क्या करना है, कैसे बचाएंगे इसको, अपने बर्ड को कैसे बचाएंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मॉर्निंग के पानी में दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह का पानी आप लगाते हो, उसमें तुरंत आपको लेना होगा मीठा सोडा, जो खाने के लिए अपन किसी चीज़ को फुलाने के लिए डालते हैं ना, वाइट कलर का होता है वो, होता है मीठा सोडा। मीठा सोडा ले लेना है। मीठा सोडा लेने के बाद में दोस्तों, वो आपको जैसे 3000 बर्ड है तो 300 ग्राम लेना होगा, 300 ग्राम मीठा सोडा लेना है दोस्तों। और उसको विथ पैरासीटामोल के साथ में अपने बर्ड को दोस्तों दे देना है ना, इसको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चला देना है। एट द लास्ट दोस्तों, जब दोपहर होता है, यानी कि आप देखते हैं कि जब दोपहर के समय पे बर्ड बिल्कुल गर्म होता है, गर्मी होता है, उस टाइम पे आपको लेना होगा डिस्प्रिन टेबलेट, जो आता है दोस्तों मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो डिस्प्रिन ले लेना है। और डिस्प्रिन के साथ में दोस्तों आप लोगों को क्या लेना होगा, जो लेना है उसका नाम है दोस्तों, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा अगर आपके गांव में, आपके घर पे कहीं उपलब्ध हो जाता है दोस्तों आसानी से, जो कि पत्ते के रूप में उपलब्ध हो जाता है, तब आपको वो, अगर नेचुरल पूरा मिल रहा है, यानी आर्टिफिशियल तरीके वाला नहीं मिल रहा है, यानी नेचुरल मिल रहा है दोस्तों, तब उसको क्या करना है कि उसका पूरा का पूरा जेल निकाल लेना है आपको किसी डिब्बे में, और अच्छी तरह से उसको पानी में मिक्स करके, और दोनों टैबलेट्स और एलोवेरा, इन दोनों को ड्रिंकर में चलाना है 2 घंटे के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप चलाने जाएंगे, तब आपको आराम से सुकून से बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्म में कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और आपका चूजा जो है उठ करके बराबर पानी पीना चाहिए। इस प्रकार से अगर दोस्तों आप करते हो तो इस प्रकार की दिक्कत से आप छुटकारा पा जाओगे। और जो भयानक से भयानक मोर्टेलिटी होती है दोस्तों, पैर लुंज हो जाता है, इस तरह से दिक्कत आती है, ये दिक्कतें भी आपके फार्म में नहीं आएंगी। ये हो गया। रात के समय पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा कि कोई भी किडनी फ्रेशर जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो, उस किडनी फ्रेशर को लेना है। और उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि ओस्टोकैल्शियम हो गया, ओस्टोकैल्शियम मिल जाए उसको, और किडनी फ्रेशर को, दोनों को एक साथ में चला देना है मुर्गे को। आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, आपके बर्ड में वो निखार आएगा, ज़बरदस्त वाला अच्छी तरह से निखार भी आ जाएगा और आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं दोस्तों, जो अभी हमने आपको बताई हैं वीडियो में, इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यदि कभी भी आपके मुर्गे में इस प्रकार की समस्या आए तो। बाकी अभी दोस्तों आज हमारे एक मेंबर वाले बंदे के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को शेयर करूँगा और उनकी प्रॉब्लम को मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो मेंबर वाले बंदे थे दोस्तों, वो हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में वो मेंबरशिप भी ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती फार्मर हैं। तो उनसे मैं आप लोगों का जो भी बातें हुई हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।
आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और यदि कोई भाई चैनल पर नया हो दोस्तों तो वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और इस प्रकार की अगर किसी भी फार्म में दिक्कत आती है दोस्तों तो वहाँ पर सावधानी।